गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज व्याकरण पाठ में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, मतलब एक शब्द के दो या तीन नाम। तो बच्चों, अभी हमने अनुच्छेद भी पढ़ा है, इसके बाद मैं आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाती हूँ। पर्यायवाची शब्द मतलब जैसे हम सूरज के एक दो तीन और कई नाम भी होते हैं, है ना। तो सूरज को हम सूर्य, भास्कर और दिनकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य, भास्कर और दिनकर। यदि आपको प्रश्न में आता है भास्कर, तो आपको मालूम होना चाहिए सूरज का नाम है, दूसरा नाम है, तो हम सूर्य, सूरज और दिनकर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा है दीपक। दीपक मतलब दीप, चिराग और दिया। फिर थर्ड में है कोयल, पीक, श्यामा, कोकिल। फिर भाई, भ्राता, सहोदर, बंधु। भाई को क्या कहते हैं? भ्राता, सहोदर, बंधु। फिर उत्सव, आप सभी को पता होगा उत्सव को हम त्यौहार, पर्व और समारोह भी कहते हैं, है ना। त्यौहार, पर्व और समारोह। जंगल, जंगल का होगा वन, कानन, विपिन। क्या होगा? जंगल, वन, कानन, विपिन। यदि विपिन आता है तो हम कानन, वन और जंगल भी लिख सकते हैं। पृथ्वी आया, पृथ्वी को सबको पता है धरा है, धरती है, भूमि। उपवन, बाग, उद्यान, बगीचा, है ना। पक्षी को कहते हैं खग, विहव, नभचर। चंद्रमा मतलब शशि, शशांक और राकेश। तो बच्चों, आपको थोड़ा याद करना है और पर्यायवाची शब्द को बार बार हम पढ़ेंगे तो याद हो जाता है और हम आसानी से एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते रहते हैं तो सबको पता है जंगल को हम वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, विपिन। हवा को जैसे पवन, वायु, समीर कहते हैं। आकाश को हम नभ, गगन, आसमान भी कहते हैं। तो इसी तरीके से एक शब्द के दो या तीन नाम होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।